गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टीचिंग इंग्लिश लेसन 17। स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 17 की एक्सरसाइज का नंबर सी कंप्लीट करेंगे। डी और ई तीनों कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, एक्सरसाइज का नंबर ए एंड बी हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का नंबर सी। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। नंबर सी, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके राइमिंग वर्ड लिखने हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नंबर वन में लिखा हुआ है प्ले, प्ले का हमने यहाँ पे लिखा क्ले। नंबर टू ग्लू, ग्लू का ब्लू। नंबर थ्री रन, रन का फन। नंबर फोर लव, लव का डव। ओके, नंबर डी देख लेते हैं। डिराइव्स द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, उनको सही से जमा के लिखना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ओके, जैसे यहाँ पे नंबर वन में लिखा हुआ है, लिखे हुए जो वर्ड हैं उनसे बना है स्कूल। स्कूल की स्पेलिंग यहाँ पे लिखनी है। नंबर टू, टू में लिखा है कैरियंस। नंबर थ्री, थ्री में सीजर्स। और नंबर फोर, नंबर फोर में लिखा हुआ है नोटबुक। ओके, एक्सरसाइज का नंबर ई देख लेते हैं। नंबर ई में राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे नंबर ई में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उनको प्लूरल बनाना है। प्लूरल मीन्स बहुवचन। तो ओके स्टूडेंट्स, नंबर वन में लिखा है नोटबुक। तो नोटबुक में हमने प्लस किया ऐड, तो हम यहाँ पे हो गया नोटबुक्स। नोटबुक मीन्स होता है एक नोटबुक। तो यहाँ पे एस लगाने के बाद हो गया बहुवचन, बन गया नोटबुक्स, बहुत सारी नोटबुक्स। ठीक है, नंबर टू स्कूल, स्कूल में हमने यहाँ पे एस लगाया तो यहाँ पे हो गया स्कूल्स, मतलब बहुत सारे स्कूल्स। नंबर थ्री कैरियंस, कैरियंस मीन्स होता है कलर, तो कैरियन मीन्स होता है कलर, तो इसमें भी हमने एस लगा दिया तो हो गया कलर्स। ओके, कैरियंस। ठीक है, नंबर फोर थिंग, थिंग मीन्स चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ थिंग मतलब एक चीज़, तो यहाँ पे थिंग में एस लगा दिया तो हो गया थिंग, बहुत सारी चीज़ें। ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को एक्सरसाइज का सी डी और ई समझ में आ गया होगा। नंबर सी में आप लोगों को राइमिंग वर्ड लिखने हैं, नंबर डी में रीअरेंज करके लेटर्स को और मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं, और नंबर ई में प्लूरल वर्ड लिखने हैं। ओके, तो आप लोग रीड करिए, राइट करिए और लर्न करिए। ओके।